दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे वो है मोहनजोदाड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, शहरी केंद्र, जिसमें मोहनजोदाड़ो के बारे में आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई जाएंगी, कुछ विशेषता बताई जाएगी जिसको हम जानते हैं। आपको बोर्ड पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं वो देखिए जरा। मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, नियोजित का मतलब सही तरीके से बताऊं तो एक फुली प्लान, मतलब प्लानिंग के साथ शहर बनाया गया, जिसके अंतर्गत ये दर्शाया गया कि वो शहर कितना ज्यादा नियोजित रूप से बनाया गया था, यानी कि हर एक चीज को प्लानिंग के साथ बनाया जाना, घरों का निर्माण अच्छे तरीके से करना, नदी नालियों का निर्माण करना, सड़कों का, गलियों का अच्छे से सही तरीके से ढंग से प्रेजेंट करके बनाया गया शहर था। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता शहरी केंद्रों के विकास में थी, मतलब शहरी केंद्र बहुत ज्यादा विकसित थे वहां पे, और इतने अच्छे शहरी केंद्र थे जहां तक कि ऐसी टेक्नोलॉजी उस जमाने में इम्पॉसिबल लगती थी। वो आज हमने इतने समय बाद उसे खोजा और पता चला कि इतने प्राचीन सभ्यता भी काफी विकसित थी। आइए मोहनजोदाड़ो की विशेषता को जानते हैं। एक प्रमुख शहर था जहाँ पे व्यापार का स्थल था और काफी बड़ा था। हड़प्पा के बाद में खोजा गया जो शहर था ये मोहनजोदाड़ो था। यह एक प्रसिद्ध पुरास्थल है। पुरास्थल को भाइयों प्राचीन स्थल कहते हैं, और सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा ही है। सबसे पहले जो खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था, लेकिन ये बाद में खोजा गया था इसलिए बचा रह गया। इस विशाल नगर को दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए, दो नगरों को मैंने इधर डायग्राम के थ्रू भी बनाया हुआ है। एक है छोटा किंतु ऊंचाई पर स्थित था, जिसे दुर्ग कहते थे। एक पहाड़ी पे ऊंचाई पर था, और एक निचला शहर जो काफी बड़ा था। देखिए, एक बड़ा था और नीचे स्थित था, जिसे निचला शहर कहा जाता है। इसको इंग्लिश में सिटाडेल और इंग्लिश में लोअर टाउन, यानी जो दुर्ग था उसे सिटाडेल कहा जाता है और जो निचला शहर था उसे लोअर टाउन। इसकी संरचना कच्ची व पक्की ईंटों के चबूतरों पर बनी गई थी। यहाँ पे जितने भी आवास मिले हैं वो कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों पर बने हुए। कच्ची ईंटें वो होती थी जो धूप में सुखाकर पकाई जाती थी, और पक्की ईंटें भट्टी में पकाकर सुखाई जाती थी। ठीक है जी। तो अगला जो आता है इसमें देखिए, दुर्ग तथा निचले शहर को दीवार से घेरा गया था। हाँ, इसको पूरे तरीके से किलेबंद किया गया था। इसके चारों तरफ दीवार थी, और इसके भी चारों तरफ, निचले शहर के भी चारों तरफ दीवार थी, मतलब इन्हें किलेबंद किया गया था, जिससे ये पता चल जाता था कि दोनों शहर एक दूसरे से भिन्न है। निचले शहर में लोग आवासीय क्षेत्र में रहते थे, और ऊपरी शहर में ज्यादातर व्यापारिक केंद्र के रूप में इसको दर्शाया गया है। इसके अंदर कुछ विशाल भवन वगैरह मिले हैं। तो देखिए आगे, निचले शहर में कई भवनों को ऊंचे ऊंचे चबूतरों पे, जो निचले शहर थे इनके जो घर थे ज्यादातर ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे, यानी कि जैसे चबूतरों पे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो कई मकान है जो चबूतरों पे बनाए जाते हैं, एक लिमिटेड हाइट पे बनाए जाते हैं। वैसे उस जमाने में भी चबूतरों पर ईंटों के चबूतरे बनाकर उनके ऊपर घर बनाए जाते थे। पहली बस्ती का नियोजन किया गया होगा, फिर उसके अनुसार कार्य किया गया होगा। ये भी बात जानने वाली है कि पहले बस्ती का प्लानिंग की गई होगी, उसके बाद में वहां पे घर बनाए गए होंगे। नियोजन में ईंटें महत्वपूर्ण थी, जिन्हें धूप में सुखाकर तथा भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। सभी ईंटें निश्चित अनुपात की होती थी, ये याद रखे, ईंटों का साइज इक्वल था, और निश्चित अनुपात की आज की ईंटों से लगभग दो गुनी या चार गुनी थी। इन ईंटों की लंबाई चौड़ाई क्रमश चार गुनी या दो गुनी थी। नालों का निर्माण अगला टॉपिक आता है कि इनमें नदी नालियों का निर्माण कैसे किया गया था, वो भी बहुत खास है, क्योंकि देखो जी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पे मतलब सीवेज लाइन का सिस्टम खराब है। आज भी मॉडर्नाइजेशन आ गया है तब भी, लेकिन उस जमाने में नदी नालों का इतना विकसित रूप से ध्यान रखा गया था इसकी हद नहीं है। देखिए, यहाँ की प्रमुख विशेषताओं में एक नियोजित जल निकास प्रणाली थी, मतलब एक प्लान करके बनाई गई जल निकास प्रणाली कि घरों का जो गंदा पानी था वो किस तरीके से शहर से बाहर जा सके। तो देखिए, सड़कों तथा गलियों को अलग अलग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति पे ध्यान दीजिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है। मान लीजिए छोटे छोटे घर हैं और ये सड़कें हैं, ये यूं सड़क है और यूं सड़क है, इसको बोलते हैं चेक पैटर्न। ग्रिड पैटर्न भी बोलते हैं, चेक पैटर्न भी बोलते हैं। ग्रिड पद्धति बहुत खासियत होती है, इसमें घरों के अगल बगल में नालियां जारी होती है, और नाली के साथ से एक दीवार बनी होती है जो घर से सटी हुई होती है। ये देखिए, पहले नालियों का निर्माण किया गया होगा और साथ में गलियों का निर्माण किया होगा, उसके पश्चात उसके अगल बगल घर बनाए होंगे। पहले मतलब गली और नालियां बनाई गई होगी, और फिर उसके अगल बगल में घर बनाए गए होंगे, और प्रत्येक घर की एक दीवार उस नाली से जुड़ी होगी, जिसका गंदा पानी उस नाली से जाएगा और वो नाली आगे जाके एक बड़े नाले से जुड़ेगी। प्रत्येक घर की एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक था, नेचुरल है, क्योंकि घर का गंदा पानी नाली के थ्रू बाहर प्रवाहित हो सके। ठीक है जी। हाँ दोस्तों, अब देखिए कि अगला टॉपिक जो है हमारा है गृह स्थापत्य कला, जो कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में कैसे किस प्रकार के आवास बने हुए थे, किस तरीके के घर
घर बने हुए थे, उन सबको जानते हैं कि कैसे उनकी कला में क्या क्या चीज थी और कैसे घर बने गए थे, किस तरीके से बनाए गए थे, दो दो मंजिला मकान जो बने हुए थे उस जमाने में किस तरीके से बनाए गए होंगे, जो कि आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि इतना अच्छा मकान कैसे बना सकते थे उस जमाने के लोग। तो देखिए, गृह स्थापत्य कला, निचले शहर में आवासीय भवन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दो शहर थे, शहर था, शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी शहर को दुर्ग कहा जाता था, निचला शहर काफी बड़ा होता था, उसमें साधारण लोग रहते थे, अपना गृह स्थापत्य करके रहते थे, यानी घर बना के रहते थे। तो निचले शहर ज्यादातर आवासीय भवन थे, आवासीय भवन वो होते जिनमें इंसान रहते हो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में गुजर बसर करते होंगे। और फिर अधिकांश भवन आंगन पर आधारित थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। अधिकांश भवन किस पे थे? आंगन पे। देखिए, मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, चित्र 1.9 पेज नंबर 7 पर होगा, उसमें आप देख लीजिएगा, अच्छे से दिखाई देगा कि इस तरीके का एक डायग्राम होगा। उसमें थोड़ा अलग है, मैंने थोड़ा इजीली बनाया हुआ है। इसमें देखिए, घर जो बनाया गया है वो इस तरीके का है, आंगन बीच में दिख रहा होगा आपको, ये चारों तरफ रूम है और ये मुख्य मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के सामने भी एक दीवार थी और एक लेफ्ट में एक मतलब एक घर था जिसमें एक कुआं था, उस कुएं से कोई भी आने जाने वाला रागिर साधारण आसानी से पानी पी सकता था, कोई रोक टोक नहीं होती थी पहले के जमाने में। तो देखिए, अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट देखिए, आंगन में खाना पकाने तथा कढ़ाई करने जैसे कार्य किए जाते थे। कई बार पूछा जा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आंगन को किस चीज के लिए यूज किया जाता होगा, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मसाले सुखा लेते हैं कुछ भी, क्योंकि उधर डायरेक्ट धूप आती है, इसलिए उस जमाने में ज्यादातर लोग खाना पकाते थे वहां पे, या फिर कटाई करने जैसे काम जो लोग करते हैं अपने आंगन में बैठ के, इसलिए यूज किया जाता था। फिर आता भूमितल पर बने मकानों की दीवारों पर खिड़कियां नहीं थी। भूमितल यानी कि ग्राउंड फ्लोर, भूमितल किसे बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर को। तो भूमितल पर जो मकान थे उनकी दीवार पर कोई खिड़कियां नहीं थी, इससे ये पता चलता है कि लोग आपस में एकांत रहना महसूस, एकांत में रहना ज्यादा अच्छा, जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं कि अड़ोस पड़ोस में रहते हुए भी एक दूसरे के खिड़की दरवाजों पर पर्दा लगा देते हैं, उस जमाने में तो खिड़कियां ही नहीं मिली, यानी ग्राउंड फ्लोर पर तो कोई खिड़की थी ही नहीं, सीधे फर्स्ट फ्लोर पर ही थी खिड़की। मुख्य द्वार से सीधा अंदर नहीं देखा जा सकता था, मुख्य द्वार के पीछे एक दीवार होती थी, ये देखिए मुख्य द्वार है, इसके पीछे एक दीवार होती थी, यानी कोई भी आने जाने वाला सीधे घर से घर में ताक झांक नहीं कर सकता था। ठीक है जी। हर घर का अपना ईंटों का फर्श से बना एक स्नान घर होता था, जिसकी नाली गली या नाली से जुड़ी होती थी। देखो जी, ये रहा एक स्नान घर, मान लो मैंने एक स्नान घर बनाया हुआ है, इसकी ये नाली, इसके बगल से एक नाली जा रही है, तो इसकी ये दीवार इससे जुड़ी होती थी ताकि जो भी वेस्ट वाटर होगा वो सारा इसमें से बहकर दूसरे बड़े नाले में चला जाए। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, ये है स्नान घर और नाली इसके साथ से जा रही है, इसकी दीवार से होते हुए तो जो भी वेस्ट वाटर होता था वो सारा उसमें चले जाता था। तो आइए, अनेक अनेक आवासों में कुएं मिले हैं, सॉरी अनेक घरों पर दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो में कई ऐसे घर मिले हैं जिसपे दो मंजिला मकान मिले हैं, यानी कि एक के ऊपर एक मकान, और उनके इसलिए पता चला क्योंकि उनके छतों पर सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। आप जब ये डायग्राम देखोगे ना, तो इस डायग्राम में ऊपर की तरफ ऐसे सीढ़ियां बनी हुई ऑप्शन दिखेगा, उसमें ऐसे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई दिखेगी आपको दो साइड से, तो आप डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में जरूर देख लेना, चित्र 1.9 पेज नंबर 7 पर। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अनेक आवासों में कुएं मिले हैं जिनसे बाहरी कक्ष में बनाए, देखो बाहरी कक्ष में अनेक आवासों में कुएं मिले हैं जिसमें बाहरी कक्ष, ये बाहरी कक्ष था और इसमें कुआं मिला है। इस कुएं में क्या होता था कि जिससे राहगीर पानी पी सके, यानी कोई राहगीर आता था तो डायरेक्टली उससे पानी पी सकता था। ठीक है जी। अब देखिए, विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की संख्या लगभग 700 थी, यानी मोहनजोदड़ो में जितने भी घर थे लगभग हर घर में एक कुआं जरूर मिला होगा, लगभग 700 कुएं, बहुत बड़ी मात्रा में कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो में। आइए अब दुर्ग के बारे में जानते हैं, हमने निचले शहर के बारे में जाना था, अब दुर्ग के बारे में जानेंगे, जो कि ऊपर स्थित था और थोड़ा छोटा था, लेकिन ये एक स्पेसिफिकली बनाई गई संरचना थी जो ऊंचाई पे बनाई जाती थी, टीले पे, जिसके चारों तरफ दीवार बनाई जाती थी। मैंने पिछले टॉपिक में आपको इसको डिस्क्राइब कर दिया था। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था, मतलब कि दुर्ग पे जो भी संरचनाएं मिली वो ऐसा था कि लोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, जैसे कि पूजा पाठ, रीति रिवाज, कुछ यानी अनुष्ठानिक चीजें करने के लिए इस दुर्ग का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि होली दिवाली हम मनाते हैं तो एक सब मिलजुल के मनाते हैं, वैसे ही जब भी वहां पे कोई स्पेशल ऐसी चीज होती थी, त्योहार वगैरह मनाने का होता था, तो दुर्ग का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम मिला है, आप इसमें भी देखोगे ना, दुर्ग का एक उसमें
वो है डायग्राम है, मैप दिया हुआ है, उसमें एक माल गोदाम ब्लैक कलर का दिखा होगा, उसकी एक ऐसी संरचना थी जो ईंटों से निचले हिस्से शेष थे। तो इसमें याद रखना कि वो ऐसे था, जैसे कि ये एक माल गोदाम है तो इनके ना खाली दीवार दीवार चार चार फुट के आसपास रह गई होगी, ऊपर का हिस्सा दीवार का नहीं था, ईंटों का नहीं बना हुआ था, मतलब लकड़ी का बना होगा जो समय के साथ नष्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जाने के लिए सॉरी माल गोदाम के निचले शेष हिस्से थे। अब अगला देखिए, इसमें एक विशाल स्नानघर मिला है, स्नानघर पे आपका एक चार नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और इम्पोर्टेंट भी है। विशाल स्नानघर के बारे में कई बार आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प करता है और ट्वेल्थ में भी हेल्प करेगा। तो देखिए, यह एक आंगन में बना आयताकार जलाशय होता है, एक तरीके का जलाशय है जिसमें पानी एकत्रित किया जाता था और जो चारों ओर से गलियारे से घिरा होता था, इसके चारों तरफ ऐसे गलियारा बना होगा। ठीक है, इसमें जाने के लिए उत्तरी तथा दक्षिणी भाग से सीढ़ियां थी, मतलब नीचे जाने के लिए इधर से भी सीढ़ियां बनी होगी और इधर से भी सीढ़ियां बनी होगी। जलाशय में जाने के लिए सीढ़ियां उत्तरी तथा दक्षिणी भाग से ही बनी हुई थी। इसके किनारे पर ईंटों को बिछाकर जिप्सम का प्रयोग कर जलाशय को जलबद्ध किया जाता था। इधर ध्यान दीजिएगा, जिप्सम, देखिए जी, ईंटों को नीचे बिछाया जाता था प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद में जिप्सम का प्रयोग करके उसको इसलिए रखा जाता था ताकि पानी नीचे रिसे ना और पानी जलाशय में स्टोर रह सके। ठीक है, इसलिए जलाशय में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। इसके तीनों ओर कमरे बने थे जिसमें एक बड़ा कुआं भी था। अभी देखो, इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे, और इनमें एक बड़ा कुआं भी मिला होगा ताकि इस जलाशय में पानी भरा जा सके आसानी से। ठीक है, जलाशय का पानी नालियों द्वारा बड़े नाले से चला जाता था। अब जब कभी इस जलाशय का पानी गंदा हो जाता था तो इसके साथ से नालियां जाती थी जिससे बहकर वो एक बड़े नाले में आगे बड़े नाले में चला जाता था। ठीक है जी, अब देखिए, इस जलाशय का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्थान स्नान के लिए किया जाता था, जैसे कि आज भी हम गंगा स्नान करते हैं, वैसे उस जमाने में भी वहां के लोग जब कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ करते थे तो सभी के सभी इसी जलाशय का प्रयोग करके अपने आप को शुद्धिकरण किया करते थे, मतलब अनुष्ठानिक यानी पूजा पाठ के लिए स्नान करके ही इस स्नान ग्रह का यूज किया जाता था। जी दोस्तों, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।